हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मूव ऑन टेक्निकल पर। दोस्तों, देश में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की खबर सामने आई है। ऐसे में अगर आप भी अपने अकाउंट्स को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, देश में सोशल मीडिया खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप में डेटा सिक्योरिटी यानी प्राइवेसी की चिंता के बीच आपको अपना अकाउंट हैक होने से बचाना है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट हैक ना होने पाए तो इसके लिए फ़ौरन आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट में एक ऐसी सेटिंग बदलनी पड़ेगी जिससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा और वह किसी भी हैकर द्वारा हैक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, क्या है वो सेटिंग और कैसे आपको बदलना है अपने व्हाट्सएप में, जानने के लिए बने रहिए वीडियो पर। सबसे पहले हमको दोस्तों करना क्या है, अभी हम आपको लाइव बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको आज लाइव दिखा रहे हैं कि क्या करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन कीजिए। आप व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट्स ऑप्शन दिखाई देगा, अकाउंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन दिखाई देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग है दोस्तों, इसको आप जरूर अपने मोबाइल पे सेटअप कीजिए ताकि आपका अकाउंट हैक होने से बच सके। दरअसल होता क्या है, हमारे अकाउंट हैक कैसे हो जाता है और दोस्तों व्हाट्सएप कि जब भी हम दूसरे मोबाइल में या न्यू मोबाइल में अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं न्यू डिवाइस में, तो जो कंपनी के द्वारा एसएमएस भेजा जाता है, रजिस्ट्रेशन एसएमएस भेजा जाता है। अगर आपका मोबाइल हैक हो चुका है किसी हैकर के द्वारा और आपने डिस्प्ले नोटिफिकेशन ऑन रखा हुआ है एसएमएस आने का, तो जैसे ही वो एसएमएस आएगा 6 डिजिट का, वो ऑलरेडी आपके डिस्प्ले में दिखाई देगा। किसी भी हैकर के द्वारा वो अपने डिवाइस में लॉग इन करके आपका व्हाट्सएप रजिस्टर कर सकता है। दूसरा दोस्तों, मेलवेयर वायरस के द्वारा कोई भी हैकर किसी भी देश में बैठ के आपका डाटा हैक कर सकता है, यानी आपके व्हाट्सएप को हैक कर सकता है। वह आपके अकाउंट से किसी से भी पैसों की लेन देन कर सकता है, पैसे फिरौती कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, फ्रॉड जो वो कर सकता है। इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्लिक करना है सीधा सीधा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों, अभी जैसे मैंने ऑलरेडी पिन पहले से बना लिया है इसलिए यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन है। अभी मैं इसको पहले यहाँ डिसेबल कर देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐड सिक्योरिटी, यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन है। इनेबल का ऑप्शन में क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपसे 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। यह पिन दोस्तों आपको हमेशा काम आएगा, जब भी आप न्यू डिवाइस में व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं, यानी आपका मोबाइल गिर गया है या आप बदलना चाह रहे हैं अपने मोबाइल को, तो जब भी आप नए डिवाइस में लॉगिन करेंगे आपसे 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं जो आपको याद रहे हमेशा। जैसे मैं यहाँ पे अभी अपना पिन बना ले रहा हूँ दोस्तों, रिपीट में भी आपको वही पिन डालना है जो आपने बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ये और भी स्ट्रांग बन जाएगा इससे आपका पासवर्ड, यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन और भी स्ट्रांगली आपका मजबूत हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जनरली आप 6 डिजिट पिन से ही अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई दे रहा है, डन, टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल्ड हो चुका है, ओके बटन पर प्रेस करना है। अगर आप भविष्य में इसको बदलना भी चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज पिन ऑप्शन का भी दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि जब भी कोई भी हैकर या कोई भी बंदा आपका व्हाट्सएप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रजिस्टर करने की कोशिश करेगा, उसको वहाँ पर आपसे 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा जो कि सिर्फ आपको ही पता होगा। इससे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए फ़ौरन आज ही आप अपने अकाउंट को सिक्योर करिए और ये 6 डिजिट का जो पिन है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन पिन, इसको इनेबल कर लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।